बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और मेहरबानी के साथ अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज काफ़ी देर बाद जो है हमने आज अपना व्लॉग बना रहे हैं, तो आज से कोशिश करेंगे कि आप सब डेली व्लॉग लाएं। और अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जो हम यहाँ पर घर बना रहे थे, जो किसी का घर बन रहा था, जहाँ पर हम पहले रह रहे थे उनका घर बन रहा था, तो ये कहाँ तक पहुँच गया, ये सारा मैं भी आपको दिखाऊँगा। और रात को बारिश आई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी जो है जमा हुआ हुआ है। और वो बाहर वाली जो दीवार है वो कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी जो आप देख सकते हैं वो शापर रात को दे कर चले गए थे। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ जो है व्लॉग शेयर कर लें। और अभी यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है ये जगह मुकम्मल हो चुकी है। और ये दीवारें देखें, ये कमरा भी मुकम्मल हो चुका है, बस जो है वो छत डलने वाली वहाँ पर ऊपर रह गई है। उसके अलावा ये जो इस साइड वाली दीवार है ये भी ऊपर तक मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको बाहर जाकर भी दिखाता हूँ। और अभी जो है भाई लोग सब लग चुके हैं काम करने, आप देख सकते हैं वो वहाँ पर सीमेंट बन चुका है। और ये दीवार जो है इसके ऊपर हमने शापर दिया हुआ है, क्योंकि रात को बारिश आई थी, काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। और यहाँ पर इर्द गिर्द भी मैं आपको पानी दिखाऊंगा, काफ़ी जमा हो चुका है। जो दीवार माशाल्लाह से काफ़ी ऊंची उन्होंने की है वो बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी यहाँ पर जो है भाई लोग काम भी शुरू करने लगे हैं, वहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दीवार अब कर रहे हैं, तो ये जो आप डंडे देख सकते हैं लगे हुए हैं, ये गो है, इसके ऊपर चढ़ कर जो है वो ये दीवार ऊपर और बनाएंगे। और उस तरह से जो वो दीवार है वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी जो वहाँ से भी हो चुकी है मुकम्मल। तो ये देखें, बारिश आई थी मैंने जैसे वो आपको भी बताया है, तो ये सारा यहाँ पर कीचड़ बन गया है। इसके अलावा वहाँ पर भी पानी जमा हुआ हुआ है। तो ये जो ये आप गला देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर बन चुका है। कुछ दिन जो आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाया था, उस दौरान ये जो गला है ये मुकम्मल बन गया था आगे तक वहाँ तक। तो आप ये देख सकते हैं ये वो उन्होंने कमरा बनाया है, और ये ऊपर जो है गार्डर पड़े हुए हैं। जो दो तीन हफ्ते मैं नहीं कर पाया उसके लिए माजरत, क्योंकि जो है ये काम यहाँ पर काफ़ी हो रहा था, तो मैं भी साथ जो है लग गया था काम करने, क्योंकि हमने कुछ खाना पीना भी होता है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ा था। तो लेकिन अब जो है माशाल्लाह से ये काफ़ी मुकम्मल हो चुका है। तो जिनका ये घर बन रहा है उनसे मैंने पूछ कर कहा कि मैं आप जैसे पहले वीडियो बना रहा था मैं दिखा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जब तक घर बन रहा है आप यहाँ पर जितनी मर्ज़ी वीडियो बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं बनाऊँगा यहाँ पर, आपको दिखाऊँगा कि ये छत कैसे डालते हैं और भी जो काम कर रहे हैं वो भी। और कल जो है काफ़ी मुकम्मल काम हुआ है, लेकिन शाम टाइम काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, तो इसलिए जो है ऊपर छापर दीवारों पर दे दिया था। दूध पहले, सबसे पहले तो अभी चलते हैं दूध लेने, दूध लेकर उसके बाद जो है चाय बनाएंगे मज़दूरों के लिए, और उसके बाद उनको पिलाएंगे। या मेरे को सर्दी है, बारिश हुई है, तो उनको चाय की ज़रूरत है, उनको उन्हें काम भी करना है, तो अभी चलते हैं दूध लेके आते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मैं शहर में आया था, तो इधर आप देख सकते हैं एक दुकान के पास अंकल बना रहे हैं रिक्शा। तो तेल जो है काफ़ी महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अभी मैं भी पेट्रोल लेने जा रहा हूँ, तो अभी चलते हैं पेट्रोल लेकर आते हैं। और वहाँ पर जो है काफ़ी पानी जमा हुआ भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अंकल जो है ये रिक्शा बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर कभी प्रॉपर रिक्शा बनाने की या फिर बाइक बनाने की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे कभी प्रॉपर शुरू से लेके। अभी क्योंकि मुझे जल्दी है तो मैंने पेट्रोल भी लेना है, अभी चलते हैं पेट्रोल लेने। तो अभी जो है मैं पेट्रोल लेने जा रहा हूँ, वहाँ पर आगे जाकर पेट्रोल पम्प आता है, वहाँ से हमने लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ट्राली खड़ी है लकड़ियों वाली, उस तरफ पानी बहुत ज़्यादा है आगे, इसलिए ये गुजर नहीं पा रही ट्राली। तो आपको दिखाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये सारा आगे तक पानी पानी है। तो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर पानी जमा हो चुका है, इसलिए यहाँ से जो है बाइक वगैरह बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। अभी जो हम चलते हैं पेट्रोल लेना है, तो यहाँ पर सात सात जगह बनी हुई है जाने की, वहाँ से चल कर जाते हैं। तो अभी जो है गुजरते हैं, देख सकते हैं काफ़ी पानी जमा हुआ है यहाँ पर। वो वहाँ से रोड से पानी लेकर और यहाँ तक जो है पानी आप देख सकते हैं जमा हुआ हुआ है। यहाँ पर बाइक को गुजरने में बहुत मुश्किल दुश्वार पेशी आ रही है। तो अभी जो है मैं पानी से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, और यहाँ पर पेट्रोल पंप है, इधर से भी पेट्रोल लेते हैं फिर वापस चलते हैं। तो अभी जो है ये पेट्रोल हमने ले लिया है, ये भी पीछे पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं। तो पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो चुका है, 250 रुपये लीटर, उससे भी ज़्यादा मैंने पूछा अंकल से। अभी जो हमने 150 का पेट्रोल लिया है, क्योंकि वो गार्डन पेंट करने हैं, और रात को कभी मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, शहर में आ चुका हूँ। और ये जो आप देख सकते हैं हमारा ये शहर है, ये आप देख सकते हैं ये पीछे एक पेट्रोल पंप है, एक उस तरफ पेट्रोल पंप है शहर में, और ये हमारा जो है आप शहर देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो वहाँ पर पानी बहुत जमा हुआ हुआ है, वहाँ से जो बाइक वगैरह बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपको दिखाया भी मैंने। तो अभी वापस चलते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत मुश्किल पेश आ रही है सबको, यहाँ पर पानी जमा हुआ हुआ है,
या आप देख सकते हैं कार को भी। तो अभी हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर जो है काम हो रहा है, घर बन रहा है, ये पेट्रोल देना है वहां पर उसके। तो आपको मैंने अपना शहर दिखाया था, काफ़ी जो है काम ख़राब हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है वहां पर। और 20 से 30 रुपये लगते हैं इधर हमारे इस जगह से जहां पर हम रह रहे हैं उधर से शहर जाने। तो मैं रिक्शे पर गया था, अभी जो है यहाँ पर ये पेट्रोल ले आए, देते हैं उसके बाद चाय लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो है काम शुरू है, इधर से भी जो है काम कर रहे हैं भाई, यहाँ पर भाई काम कर रहे हैं, यहाँ पर अंकल भी कर रहे हैं काम, और अभी जो है हम चाय लेकर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिट्टी फेंक रहे हैं, तो पहले यहाँ पर मिट्टी फेंकी है सारी, और अभी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमारे पानी जमा हुआ है काफ़ी, वहाँ पर भी ये भाई फेंक रहे हैं मिट्टी। तो ये चाय मैं ले आया हूँ पीने के लिए, वो पड़ी हुई है। तो मिस्त्री अंकल कहीं गए हैं, वो आते हैं तो फिर उसके बाद जो है चाय इनको पिलाएंगे। तो अभी जो है आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश करूँगा कि आपके साथ डेली व्लॉग ला सकूँ। मुझको आप ऐसे ही देखते रहिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।